नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा के फतेहाबाद में अचानक उतरा पाकिस्तान का जहाज, इलाके में फैली सनसनी। पूरी खबर क्या है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव भूथन कला के खेतों में गुरुवार देर शाम को एक जहाज नुमा गुब्बारा उतारा गया, जिसमें पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी कि PIA लिखा हुआ था। तो गुब्बारे के ऊपर पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है। इससे एक बार की गांव में सनसनी फैल गई, तो ग्रामीणों ने इसकी सूचना डायल 112 पर पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर गुब्बारे को अपने कब्जे में ले लिया। जानकारी के अनुसार गांव भूथन कला के किसान सुरेश कुमार के खेत में हवाई जहाज नुमा एक गुब्बारा जो है वो फंसा हुआ मिला। ग्रामीणों के अनुसार ये गुब्बारा उड़ते हुए यहाँ आया और इसके पीछे बंधी रस्सी खेत में जा फंसी। इसके बाद गुब्बारा वहाँ पर अटक गया और इस गुब्बारे पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का लोगो बना हुआ है। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है और ग्रामीणों से तमाम इन्फॉर्मेशन जानकारियां उन्होंने हासिल की। तो पुलिस अब इस पड़ताल में जुट गई है कि ये गुब्बारा कहां से आया। खुफिया तंत्र को भी सक्रिय किया गया है। ये भी जाँच की जा रही है कि क्या वास्तव में ये गुब्बारा पाकिस्तान से आया है या यहीं पर इसको बनाया गया है। तो पुलिस अलग अलग एंगल्स से जो है वो जांच में जुट गई है और पुलिस का मानना है कि कई बार पाकिस्तान से उड़े सामान्य गुब्बारे भी सीमावर्ती भारतीय इलाकों में आ जाते हैं, मगर इस गुब्बारे के उड़ने के पीछे क्या उद्देश्य है इसका पता जो है अभी तक नहीं लगा पाया है। फिलहाल देखिए, सदर थाना प्रभारी यादवेंद्र सिंह ने बताया है कि खेत में मिले गुब्बारे को कब्जे में ले लिया गया है और उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत कराया गया है। आगे की पड़ताल जारी है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करें। Oh, 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 oh